सातवें चरण के मतदान में अब कुछ ही दिन बाकी रह चुके और मतदाता भी धीरे धीरे जागरूक हो चुके हैं और मतदाताओं में कई वर्ग ऐसे हैं जो विकास के मुद्दों पर अपना मत देना चाहते हैं। वैसे भोजपुर दर्शन ने कई डॉक्टरों से अपने विचार राय लेनी चाहिए और सभी ने एक मत में कहा कि विकास ही मुद्दा होगा। वैसे प्रसिद्ध आपके हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसएम ईसा ने भी इस मुद्दे पर भोजपुर दर्शन से बातचीत की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में विकास किया है। विकास करना अभी बाकी है, थोड़ा बहुत हुआ है अब तक और बहुत नहीं होगा तो हम कभी संतुष्ट नहीं। हमको जब भी मौका मिलेगा इसको हम बोलते रहेंगे, आज छोड़ेंगे नहीं। विद्युत का विकास होगा तो मेरा भी विकास होगा, देश का हित होगा तो हमारा भी हित होगा। केवल विकास मुद्दा है लेकिन विकास फिर भी कितना? विकास के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, अन्य बातों के बारे में हर कोई सोच रहा है लेकिन विकास के बारे में, विकास करने के का जो निर्णायक दिन होता है उस जमाने में उस समय किसी को विकास की याद नहीं है, बाकी सब चीजों की याद, विकास की याद नहीं। कोई विकास को मुद्दा नहीं बना रहा है, कोई विकास के महत्व को नहीं समझ रहा है, लेकिन विकास नहीं होगा तो देश गरीब का गरीब बना रहेगा। ना आप यह कहना चाह रहे हैं कि आरके सिंह ने भी विकास कुछ नहीं किया? आरके सिंह ने देखिए हर चीज तुलनात्मक होता है, अगर एक कोलवर पुल को थोड़ा सा बना लेना विकास है तो रामलखन बाबू तो बिल्कुल भगवाने थे, वो पूरा रेलवे लाइने बिछा दिए यहाँ से लेके सासाराम तक, तो वो विकास अगर था तो ये उसके तुलना में नहीं है। सही बात यह है कि नहीं? जी जी सही बात है। और कितना दिन चलेगा? जगन्नाथ मिश्र भी गंगा पर पुल बनाए थे पटना में तो 20 वर्ष में खत्म हो गए, पुल का कोई ठिकाना नहीं। तो आपके विचार से केंद्र में किसकी सरकार बनने जा रही है? कि हमको तो बस मोदी जी नजर आते हैं। हाँ सही बात है। आपने सोन नहर को आधुनिकीकरण की बातें कही कि बहुत से काम हो चुका है, क्या कहेंगे? सोन के आधुनिकीकरण पर कुछ काम नहीं हुआ है पिछले 5 साल 10 साल 15 साल। इसकी एक योजना सोन मोटर सोन कनाल का जो ऑफिस है सोन भवन में सेंट्रल वाटर कमीशन से अप्रूव किया हुआ सोन कनाल सिस्टम को पक्कीकरण की पास की हुई अप्रूव की हुई सैंक्शन की हुई अलॉटमेंट पैसा दिए हुई 5 करोड़ रुपए हम अपने समय में दे के आए थे। फरवरी 2090 में सेंट्रल वाटर कमीशन से अप्रूव हुआ, अगर उसमें हाथ लगवा देते तब हम विकास मानते। इसका मतलब आपके कथनानुसार नहर के आधुनिकीकरण भी नहीं हुई? जरा सी भी नहीं, 90 के बाद से 5 करोड़ रुपया जो सैंक्शन हम दिया था अपने पीरियड में, तो वो उससे मेरे बाद के जो शिक्षा मंत्री ये सिंचाई मंत्री थे उन्होंने अपने क्षेत्र में छोटी छोटी नाला सबको पक्की करा लिया, कुछ भी नहीं हुआ। अरे करो वो जो अस्थाई हो, अगर अंग्रेजों ने इस पूरे शाहबाद में सोन नहर न बनाया होता यहाँ की गरीबी कम हुई होती क्या? वो जो नहीं करेगा उसको हम अपूर्व समझेंगे, जो सांसद कर देगा तब हम समझेंगे कि हाँ उसने काम किया है कुछ विकास इस क्षेत्र का। इस क्षेत्र रेलवे स्टेशन की विकास की बात आ रही है, रेलवे स्टेशन तो कितना रेलवे स्टेशन है, एक बार पुचाड़ा होता है 3 साल के बाद फिर पुचाड़ा होता है, तो पुचाड़ा करना वो तो विकास नहीं होता, दैट इज नॉट विकास। इंजीनियरिंग करो और मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में, देखिए कब तक बात होती रहती है, यूनिवर्सिटी ब्रेड समय का है ना, उसके बाद से क्या मेडिकल। हम अपने से तुलना नहीं कर रहे हैं,
हम ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोग डिजर्व करते थे सोन कैनाल सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन, पक्कीकरण, चौड़ीकरण, पानी बहता। हम यहाँ 1969-70 में हम देखा है अपनी आंख से, यहाँ छोटा स्टीमर चलता था, इसमें आप नहीं पैदा हुए हो, आप बच्चे हो, याद है छोटा स्टीमर चलता था यहाँ बहरों से, बगल से निकलता था, चलता था, कोई देखे थे? अब है नहीं है अभी, उसमें क्या है, आज ही सुबह कल सुबह हम आए हैं उधर से, एकदम नाला बन गया है, अफसोस लगता है। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनकी सरकार होगी, एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं, देखिए वर्तमान सांसद कोई विकास की बात नहीं, और दोनों बात आप कह रहे हैं। नहीं, हम ये कहते हैं विकास और पॉलिटिकल दो चीज है, इस देश की पॉलिटिक्स को वही संभाल सकते हैं मोदी जी, मोदी हाँ, इस देश के विकास को संभालने राहुल जी, राहुल जी को तो समय लगेगा, राहुल जी को समय लगेगा, समय लगेगा, जो सच्ची बात है बोलेंगे, और मोदी जी विकास उनकी चाह नहीं है, उनकी चाह है पॉलिटिक्स, और इस देश को जरूरत है एकता, पॉलिटिकल एकता, वो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। और स्टेबल सरकार, मिलावट जुलावट की नहीं, स्टेबल सरकार, इस देश के टैक्स पेयर पर बहुत ज्यादा लोड नहीं देना है, जो भी सरकार बने स्टेबल बने और देश हित में काम करे। आप एक मतदाता हैं, हाँ। विकास कितना हुआ भोजपुर का? भोजपुर का तो विकास बहुत हुआ, आरके सिंह ने बहुत अच्छा काम किया, और ये पहले सांसद हैं जो हर हफ्ते आ करके यहाँ अपने काम का और अपने योजनाओं का इन्होंने रिव्यू किया, और उसके लिए इन्होंने काम किया। केंद्र में किसकी सरकार आप चाहते? केंद्र में हम स्टेबल सरकार चाहते हैं, अभी मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट बीजेपी ही है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी विकास हैं या राजनीतिज्ञ हैं? विकास तो इन्होंने किया ही है, राजनीति की भी है, दोनों बातें। मतदान होने वाला, आप एक मतदाता हैं, अपने मताधिकार का उपयोग किस प्रकार का सरकार चाहते हैं आप? केंद्र में सरकार किस प्रकार का? सरकार वैसी होनी चाहिए जो सबका विकास करे, सबका डेवलपमेंट चाहे, खास गरीबों का की सरकार होनी चाहिए, जो हर तरह के गरीब हैं, चाहे किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, हम चाहते हैं गरीबों का विकास हो, और उनका बहुत ज्यादा दिखाता है कि बहुत से दूसरे जात धर्म के लोग हैं लेकिन विकसित हैं, तो जो विकसित है उनको नहीं, जो वंचित है उसका विकास होना चाहिए हर लोगों का, और हर सुविधा होनी चाहिए सबको। भोजपुर के रहने वाले हैं आप, भोजपुर का सांसद के बारे में क्या कहेंगे, कैसा हो सांसद? देखिए भोजपुर के सांसद कैसा का पिछला जो कार्यकाल हम लोग देखे हैं, उधर एक ही टर्म देखे हैं हम लोग, लेकिन अभी तक भोजपुर में जो भी सांसद हुए हैं उस सबसे इनका बेहतर काम हुआ है, बल्कि उसी आरा में जितने सांसद हुए उससे ही नहीं, हम समझते हैं कि पहले टर्म में, एक ही टर्म में पूरे इंडिया में ऐसा कोई सांसद नहीं होगा जो इतना विकास किया होगा अपने फर्स्ट टर्म में, इसलिए हम चाहेंगे कि हर जगह के सांसद लोग ऐसा ही रह करके कार्य करें, लोगों का विकास करें। एक ही टर्म में आपके रामलखन सिंह यादव ने बहुत कुछ काम किया था, एक ही टर्म में वीर कुंवर से स्थापना हुआ था, एक ही टर्म में बहुत कुछ ऐसे कई एमपीओ ने किया, फिर किस आधार पर आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, हमको जहाँ तक याद है, जहाँ तक हमको नॉलेज है, उस तक मेरा नॉलेज कम हो, क्योंकि जितने सांसद का आप नाम ले रहे हैं वो हमसे बहुत पहले रह चुके, उसमें हमको पूरा होश नहीं था, हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हमको नॉलेज है कि हमने किया है विकास, ये बात नहीं है, विकास सब लोगों ने किया है, लेकिन सबसे ज्यादा विकास यही किया। आपने भी कह रहे हैं कि मीना से भी कोई विकास नहीं की? विकास सबने किया है, अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार और अपनी बुद्धि के अनुसार सब लोग किए हैं, लेकिन हमको लगता है सबसे ज्यादा ही किया है, ये नहीं कहेगा और नहीं किया है, सब लोग किए हैं विकास, लेकिन सबसे ज्यादा ही किए हैं।